Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अफसरों और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अधिकारी विराट कोहली को जितना पूछते हैं उतना तो केंद्र सरकार में कैबिनेट के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं पूछते होंगे। गुहा ने BCCI को विराट के अहंकार के आगे समर्पण कर चुकी संस्था बताया। गुहा ने ये सारे आरोप एक आर्टिकल लिखकर लगाए हैं। गुहा क्रिकेट का कामकाज देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर भी थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार कल्चर का हवाला देकर अपना पद 4 महीने में ही छोड़ दिया था। गुहा ने COA प्रमुख विनोद राय के साथ साथ सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और VVS लक्ष्मण की मौजूदगी वाली सलाहकार समिति को भी नहीं बख्शा। उन्होंने लिखा, अनिल कुंबले को हटाकर रवि शास्त्री जैसे साधारण क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए टीम इंडिया का कोच बनाया गया क्योंकि इन लोगों ने विराट कोहली के रुतबे के आगे सरेंडर कर दिया। जिन मामलों में कप्तान की कोई भूमिका नहीं होती उसमें भी विराट की दखलअंदाजी थी। बोर्ड अधिकारी उन मुद्दों पर भी विराट कोहली से राय लेते थे जो भारतीय कप्तान के दायरे में नहीं आती। मामला चाहे फ्यूचर टूर प्रोग्राम तैयार का हो या नेशनल क्रिकेट अकेडमी को चलाने का, विराट की दखल सब जगह है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि बोर्ड के CEO ने कहा कि विराट की राय ही इन मामलों पर आखिरी होगी।